दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द वैल्यू ऑफ दिस 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 कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि जब भी बहुतों बार हम लोग देखेंगे कि वो लोग डायरेक्टली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन जो है डायरेक्टली नहीं पुट ऑन करते हैं, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक दे देंगे, समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो को वो लोग घुमा घुमा के देते हैं। वो लोग कभी क्या कर देंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या फिर एनी फॉर्म में कोई भी एक नया वेरिएबल लेंगे उस फॉर्म में दे देंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये जो इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका दो रूट आएगा, और वो दो रूट होगा क्या, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जब ये जेड कैलकुलेट करेंगे जेड वन कॉमा जेड टू, वो जो आएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू ए। सो ये फाइनली आएगा मेरे पास माइनस वन प्लस और माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, ये हमारा रूट आया, ठीक है। अब बस ये लोग यही सोचते हैं कि क्या हमें ये वाला आइडिया है कि इसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो दो रूट आया z1 और z2, किसी एक को ओमेगा हम लोग बोलते हैं और किसी एक को ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से डेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन डेट इज एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज वॉट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी डैट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन, और यहाँ से आएगा एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। बस हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो आज के बाद जब भी एग्जाम में ये वाला इक्वेशन दिख जाए समथिंग लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टाइप, हमें तुरंत समझ जाना है कि इसका एक रूट ओमेगा होगा, दूसरा रूट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हमें याद रखने होते हैं। क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में एक ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है वन होता है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू नहीं, ओमेगा पावर कोई भी थ्री का मल्टीपल ले लो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, वन होता है। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चला कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर। ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, वन, तो ओमेगा क्यूब कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन सी डेट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे इस क्वेश्चन से। अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके जो रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें पता चल गया कि इसका एक रूट ओमेगा है, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है। तो कोई भी रूट ले सकते हैं, वी कैन कंसिडर एनी रूट। तुम्हें ओमेगा लेके चलना है ओमेगा लेके चलो, तुम्हें ओमेगा स्क्वायर लेके चलना है ओमेगा स्क्वायर लेके चलो, मैं ओमेगा लेके चलता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने मान लिया कि इसका ये जेड जो होगा वो ओमेगा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ भी लो। तो सबसे पहला टर्म जो आएगा ये z प्लस वन अपॉन जेड, जेड प्लस वन अपॉन जेड का मतलब ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा। अभी सोचो ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा का वैल्यू पता होना चाहिए। ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अभी तुरंत हमने सीखा कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर। इसका मतलब वन अपॉन ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी बताओ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो बस हमें इतना पता होना चाहिए था कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है। देयरफॉर वी कैन सी डैट
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? माइनस वन। इसका मतलब पहला वाला टर्म कितना आ गया? माइनस वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली जेड को ओमेगा रखा इधर, तो जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर। अभी सोचो जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर के बारे में। जेड स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अभी तुरंत पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओमेगा। फिर से ये वैल्यू कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होना चाहिए? माइनस वन। सो फिर से ये माइनस वन है, माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, अब थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म जेड क्यूब प्लस वन अपॉन जेड क्यूब है, तो दिस इज ओमेगा क्यूब प्लस वन अपॉन ओमेगा क्यूब। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ओमेगा क्यूब इज वन, वन अपॉन ओमेगा क्यूब भी वन आएगा, तो वन प्लस वन टू, मतलब थर्ड टर्म हमारा क्या है? टू का स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा जेड टू दी पावर फोर प्लस वन अपॉन जेड टू दी पावर फोर आएगा। जेड टू दी पावर फोर का मतलब ओमेगा टू दी पावर फोर, वन अपॉन ओमेगा टू दी पावर फोर। अब हायर पावर है तो कैसे रिड्यूस करते हैं? तो हमें पता है क्या कि ओमेगा क्यूब कितना होता है? वन होता है। ओमेगा क्यूब अगर वन होता है तो ओमेगा टू दी पावर फोर कैन बी रिटन एज ओमेगा ओनली। कैसे? ओमेगा टू दी पावर फोर को हमने लिख दिया ओमेगा इंटू ओमेगा होल क्यूब। सो ओमेगा होल क्यूब वन हो गया, बचा सिर्फ ओमेगा। सिमिलरली दिस इज वन अपन ओमेगा। अच्छा, ओमेगा प्लस वन अपन ओमेगा तो पहला वाला ही टर्म आया था, और पहला वाला टर्म का वैल्यू कितना था? बोलेंगे माइनस वन। इसका मतलब फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना आने वाला है? माइनस वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली अब फिफ्थ टर्म के बारे में सोचो, फिफ्थ टर्म क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा ओमेगा टू दी पावर फाइव प्लस वन अपॉन ओमेगा टू दी पावर फाइव। ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे? ओमेगा टू दी पावर फाइव कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर। वन अपॉन ओमेगा टू दी पावर फाइव कैन बी रिटन एज वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये तो एग्जैक्टली सेकेंड टर्म जैसा हो गया, और सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना आया है? माइनस वन का होल स्क्वायर। प्लस हमें दिख गया कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो बार बार हर तीन के बाद सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ओमेगा टू दी पावर सिक्स प्लस वन अपॉन ओमेगा टू दी पावर सिक्स इज बेसिकली वन प्लस वन, डेट इज टू। ओके, टू टू दी पावर टू। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट टर्म दे देता, इनफाइनाइट टर्म नहीं चलो 100 टर्म तक दे देता, या 3 के मल्टीपल में 99 टर्म्स तक दे देता, तो भी क्या हमें प्रॉब्लम होता? हम लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो तीन टर्म्स आए, माइनस वन माइनस वन टू, फिर से फोर्थ टर्म माइनस वन, फिफ्थ टर्म माइनस वन, सिक्स टर्म टू, फिर से क्या होता? माइनस वन माइनस वन टू, माइनस वन माइनस वन टू, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो अगर ये 6 तक ना दे के 12 तक भी दे देता तो हम लोग आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे, हमें पैटर्न विजुअलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे इसने बस इतना ही दिया है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जब कैलकुलेट करोगे ये आएगा माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन। माइनस वन का होल स्क्वायर इज वन, टू का होल स्क्वायर इज फोर, फिर से वन प्लस फोर, ये कितना आ गया? वन प्लस वन टू, टू प्लस फोर सिक्स, और इधर से भी सिक्स विच इज इक्वल टू 12। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया? डी वाला। तो बस इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि जब भी हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन टाइप कुछ भी आए तो हमें तुरंत क्लिक कर देना चाहिए। इसका जो दो रूट है वो एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर, डेट इज माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। कहीं भी ऐसा दिख जाए मुझे माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू टाइप, या फिर सिर्फ माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा भी दिख जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे इसका जो रूट होने वाला है। अगर ये ओमेगा के बराबर है तो ये टू ओमेगा के बराबर है। कैसे? तो इस टू को इधर लेके चले आएंगे। तो इस टाइप का कुछ भी दिखे कॉन्सेप्ट तो हमें तुरंत समझ जाना है ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का दो ही प्रॉपर्टी होता है, डेट इज वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। सिंपल इनफ।